नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर वेसल के बारे में, यानी कि TDV के बारे में बात करेंगे। और ये एक मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंट शिप है जिसको DRDO ने बनाया है। यहाँ पे इस वेसल को लेकर खास बात यह है कि इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उतनी उपलब्ध नहीं है, मतलब इसके ऊपर जो प्रोग्रेस रहा है वो काफी सीक्रेटिव रहा है। इसको बनाना शुरू किया गया था 2015 में, जहाँ पे जो पूरी लागत है वो 350 करोड़ के अराउंड पड़ी थी। शिप की बात करते हो तो यह तकरीबन 11,300 टन डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि इस शिप को बनाया है कोच्चि शिपयार्ड ने और डिजाइन किया है विक सैंडविक डिजाइन लिमिटेड ने। तो प्राइमरली ये एक ट्रैकिंग शिप है, इस पे बहुत तरह की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा एक टेस्ट बेड के रूप में। वहीं पे और भी एप्लीकेशन है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वेसल ने अभी हाल ही में जो अपने बेसिन ट्रायल है वो कंप्लीट किए हैं। इस शिप के टाइप के बारे में बात करोगे तो काफी सिमिलर है आपके VC-11-184 से, लेकिन यहाँ पे जो उसकी एप्लीकेशन है वो काफी वाइडर है। एप्लीकेशन की बात करते हो तो इसका जो इस्तेमाल है वो सीबेड ड्रिलिंग और कोरिंग करने के लिए की जा सकती है, मतलब समुद्र की सतह पे अगर ड्रिलिंग करनी होगी तो ये उसके लिए भी जो इक्विपमेंट है वो कैरी करेगा। यहाँ पे जो ड्रिलिंग है वो कई एप्लीकेशन के लिए आप करते हो। अगर मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो तो जो आपके अकोस्टिक स्टेशन होंगे उनको प्लेस करने के लिए जो ड्रिलिंग है वो की जा सकती है। वो सैनियोग्राफी करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि इस तरह के एप्लीकेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी INS सागर धवनी है जो कि ये एप्लीकेशन परफॉर्म करता है। और इस एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, जो भी समुद्र का सतह है उसकी मैपिंग करते हो रिसर्च के लिए, तो ये काम में अप्लाई हो सकता है। दूसरी तरफ जो आपके अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल होते हैं यानी कि AUV, उनको भी ये ऑपरेट करने में सक्षम होंगे सर्विलेंस के लिए, या फिर इस तरह के जो भी व्हीकल हैं उनके टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगले एप्लीकेशन की बात करते हो तो सी बेड पे सोनार केबल हो गए या फिर कोई और केबल हो गए उनको बिछाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो जो आपके शिप के सोनार होंगे डोम सोनार, तो उनकी भी टेस्टिंग की जा सकती है। और उसके लिए जो एक स्पेस है मिडल में वो दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य एप्लीकेशन है जिसके लिए जो शिप है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं पे इस शिप पे डुअल पैनल LRMFR दिया गया है जो कि एक न्यूली डेवलप्ड रडार है, DRDO के LRDE ने बनाया है इसे। तो ये एक डुअल पैनल लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शनल रडार है जिसको रडार प्रोसेसिंग एल्गोरिथम के लिए बनाया गया है, जो कि मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे अदर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने में, उन सिस्टम की टेस्टिंग के लिए और इवेल्युएशन के लिए, मतलब ये दूसरे मिसाइल से इंटीग्रेट होके उनकी टेस्टिंग और उनके रिजल्ट को इवेल्युएट करेगा, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका शिप होगा वो किसी और मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर सकता है और उनकी टेस्टिंग को इवेल्युएट करेगा और मिसाइल को गाइड करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे इस रडार की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर से ऊपर होने जा रही है। जो सैटेलाइट इमेजरी है उसमें आप देखते हो DRDO के TDV को, यानी कि इस वेसल को, तो आपको 4 के नंबर में जो स्लॉट हैं वो दिखते हैं। और प्रॉब्ली ये जो स्लॉट हैं वो दिए गए हैं शिप लॉन्च सिस्टम को लेके, मतलब शिप लॉन्च सिस्टम को यहाँ पे प्लेस करने के लिए वो जगह दी गई है। तो ये जो सैटेलाइट पिक्चर है वो काफी पुरानी है, तकरीबन 2 साल पुरानी है जहां तक उम्मीद है। जो आपके शिप लॉन्च सिस्टम है यानी कि SLS जिसको DRDO ने डेवलप किया है उसको प्रॉब्ली यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। शिप लॉन्च सिस्टम के बारे में बात करते हो तो बेसिकली ये एक तरह के लॉन्चर होते हैं जो कि मिसाइल को हाइड किए होते हैं आपके शिप के सरफेस के बराबर, और जब भी आपको लॉन्च करना होगा तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम की हेल्प से उन मिसाइल को वर्टिकली खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम डेवलप किया है DRDO ने, जिसको मैन्युफैक्चर किया है भारत की प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रोनोमैटिक्स ने। ये सिस्टम तकरीबन 7 टन का जो वेट है, मिसाइल वेट, उसको उठा सकता है। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर 7 टन का वेट है ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहा है कि इस वेट कैटेगरी के अंदर जो आपके AD1 और AD2 हैं जिनकी जो टेस्टिंग है वो फ्लोटिंग टेस्ट रेंज से की जानी थी, तो प्रॉब्लम जो आपके AD1 और AD2 हैं वो हो सकते हैं यहाँ से भी फायर किए जाएं, क्योंकि उनको ट्रैक करने के लिए और उनके इवेल्युएशन के लिए जो भी डिवाइस चाहिए वो इस शिप पे उपलब्ध है। तो ये शिप भी FTR के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लॉन्च सिस्टम के जो भी कंपोनेंट हैं वो सभी के सभी भारत में बनाए गए हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो। इम्पोर्टेंट फीचर की बात करते हो तो इस लॉन्चर में लोड सेंसिंग पंप दिए गए हैं जो कि आपके एनर्जी को बचाएगा और जो पूरा प्रोसेस है उसको तेज करता है। और हैवी आर्टिकल या फिर मिसाइल को कैरी करने के लिए जो ओवर द साइड हैंडलिंग सिस्टम होता है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि हैवी सामान को लोड और अनलोड कर सकता है। और यही आपके इस्तेमाल किए जाते हैं कोई भी जो आपके अंडर वाटर व्हीकल है उनको ड्रॉप करने के लिए पानी में। यहाँ पे किसी और सबमरीन या फिर शिप के जो सोनार सिस्टम है उनको भी आप टेस्ट कर पाओगे उनको वाटर में ड्रॉप करके, और उसके लिए जो स्पेस है बीच में वो दिया गया है। इस शिप पे जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो भी दिया गया है। वहीं पे इस शिप पे ये रडार के अलावा भी कुछ और जो सर्च रडार हैं वो दिए जाएंगे। वहीं पे शिप के बेस पे एक ट्रांसड्यूसर फ्लैट दिया गया है जो कि डीप वाटर में मल्टी बीम छोड़ने में सक्षम होगा। इसकी हेल्प से जो नीचे की प्रोफाइल है वो आपको पता चलेगी। और हर तरह के वाटर वेव में ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक जो U2 एंटी रोल टैंक है वो दिया गया है, जो कि इसको हेल्प करेगा हर तरह के वाटर में सेल करने में। तो ये अपने आप में एक काफ़ी फॉर्मेडेबल प्लेटफॉर्म है जो कि टेस्ट वेसल के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसके जो बेसिन ट्रायल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द ही इस्तेमाल में लाए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।